आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। वहीं यूपी के आजमगढ़ जिले में सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ जिले की सदर विधानसभा सीट की, जहां से बसपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह बसपा के टिकट से चुनाव मैदान में हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए सुशील सिंह ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव लड़ने का सड़क स्वास्थ्य शिक्षा है। सदर विधानसभा में इस बार परिवर्तन होगा, 40 साल से विधायक हैं लेकिन सदर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सदर विधायक ने जिला अस्पताल पर कब्जा कर लिया है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, सड़कें जर्जर हैं, अब तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। अगर वो चुनाव जीते तो सबसे पहले सदर अस्पताल को विधायक से मुक्त कराया जाएगा और विकास की तेज गति से कराए जाएंगे और चुनाव परिणाम आने पर पांचवी बार बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाएंगे और हर तबके के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। इस मौके पर चुनाव प्रभारी अवधेश शर्मा सहित पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खारवार। जी हाँ, बताएं आप किन मुद्दों को लेकर आजमगढ़ में चुनाव। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास का मुद्दा है, क्योंकि 40 वर्षों में किसी प्रकार का कोई सदर विधानसभा में काम नहीं हुआ। गरीबों में सबसे ज़्यादा दिक्कत स्वास्थ्य के प्रति है। सदर हॉस्पिटल यहाँ के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी 40 वर्षों से कब्जा किए हुए हैं। सबसे पहले हमें सदर हॉस्पिटल को, चुनाव के बाद अगर विजयी होते हैं, इनके जो इनके बंधन में हॉस्पिटल है उसे मुक्त कराना, क्योंकि गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा, स्वास्थ्य का इलाज नहीं हो पा रहा है। सारे गरीब परेशान प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने का काम करते हैं, क्योंकि सदर हॉस्पिटल में सारा ठीका पट्टा इनका कब्जा 40 वर्षों से है। इससे सदर हॉस्पिटल की हालत बहुत बदहाल है। जैसा कि उनका कहना है कि आजमगढ़ में जो भी हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है और हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमें तमाम विकास कार्यों को कराया है। यानी सारा विकास का कार्य बहुजन समाज पार्टी में हुआ है। और आप सड़क की देख लीजिए खस्ता हालत, उनके घर की दरवाजे की सड़क जो जाती है वो तो वहाँ तक खराब है। उनके गाँव में चले जाने का काम करिए आप, जहाँ उनका घर है वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं है अभी तक। वही खरंजा जो ग्राम प्रधान द्वारा बनाया गया है वही सड़क है, वहाँ तो उनके अपने घर तक का काम नहीं कराए हैं और कहाँ काम कराने का काम करने के, सिर्फ ठीका करने का काम किए हैं। अपना विकास व्यक्तिगत उन्होंने काम किया। आप अपना नामांकन कब करेंगे? नामांकन मंगलवार को हमारा होगा। मंगलवार कितने बजे? 11 बजे होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।